तो हे गाइस, अगर आप अपना रनिंग फास्ट करना चाहते हैं तो जी हाँ बिल्कुल, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में रनिंग से रिलेटेड सारे साइंस डिस्कस करेंगे कि आखिर किस वे में अपने रनिंग को और फिनिशिंग को फास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 7 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, और वो भी साइंटिफिकली, ठीक है, क्योंकि आप बाकी डिफेंस एकेडमी खोल के देख लीजिए, वहां पे आपको नॉर्मल सी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि ना जानकारी आपके पास होंगी, ठीक है, लेकिन इसमें जो 5 स्टेप्स हम करने वाले हैं उसके आपको 5-5 सेट करने हैं, ठीक है, 3 या 5 सेट कर सकते हो, ठीक है, एक सेट में लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप 5 सेट करोगे या 3 सेट भी करते हो ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये बहुत ही, मतलब कि बहुत ही हाईली रिसर्च करने के बाद ये मिले हैं, ठीक है, इसी में लगे हुए थे, इसलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है, क्योंकि हम बेहतर वीडियो बेहतर क्वालिटी के साथ आपको देना चाहते हैं। ये नहीं कि हम इतना सारा वीडियो बनाते, वो अब मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है, एक ही बनाएंगे लेकिन बहुत ही बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हे गाइस, मैं आपका भाई रणवीर, और चलिए पहला पॉइंट है पाइलोमेट्रिक्स, ठीक है, तो ये एक जंप ट्रेनिंग है, ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके मसल्स को सिखाएंगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे फोर्स लगाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे हम बल लगाएं, ठीक है, तो ये आपके मसल्स को सिखाएंगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन। इससे आपको क्या होगा ना कि आपके स्टेप्स, मतलब कि आप अपने स्टेप्स को बड़ा, जैसे फिनिशिंग के टाइम में जितना आप लंबा फेंकोगे पैर, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, ये आपको पता है। तो ये ऐसे करने से आपको जो स्टेप्स में जो आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा, वो आपको इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि स्लाइटली एंगल पे ये मूव कर रहा है, ठीक है, स्लाइटली एंगल पे, मतलब थोड़ा लेफ्ट थोड़ा सा हल्का राइट जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, आप पॉज करके इसको रिमाइंड कर करके आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है, इसको अच्छे से, ठीक है। तो उतना करने के बाद आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि एक पैर, जिसे हम लंगड़ी कहते हैं, मतलब कि एक पैर से आप भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये जो येल्लो टी शर्ट वाला जो बंदा है, वो आपको पहले एक पैर से थोड़ा सा मूव कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद हल्का जाके लेफ्ट, हल्का फिर राइट, स्लाइटली एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है, स्लाइटली एंगल पे मूव करके फिर रनिंग फास्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आप इस वीडियो में नोटिस करिए, इसको आप अगर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा धीरे धीरे करके देखिए, ठीक है, इस वीडियो को, मतलब कि एक्सरसाइज अपने कन्फर्म कर लीजिए, आप अभी तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन जब वो ग्राउंड में पहुंचेगा तो इस वीडियो को फिर से थोड़ा सा, जैसे कि साइज हल्का, मतलब कि कर करके देख लीजिएगा, थोड़ा आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ब्रॉड जंप्स, तो इसे डबल लेग जंप्स भी कहते हैं, ठीक है, और ये परफेक्ट है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्पीड को आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली ये ना आपको वर्टिकल जंप पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। तो आप इसे देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा, थोड़ा सा हिप से थोड़ा डिस्टेंस ले रहा और थोड़ा बैठ रहा और फिर आगे की तरफ जंप कर जा रहा है, ठीक है। तो आप जितना, तो आप जितना जंप कर सको, जितना आगे की तरफ आप जंप कर सको, उतना आप कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड की ब्रॉड जंप्स, ठीक है। और इसी में एक बात और, कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ये बहुत इजी है समझ के ये छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप इसे रिपीटेड सेट्स जब करोगे ना, जब इसे रिपीट कर करके आप 3 या 5 बार करोगे, तब ये आपके रनिंग जो इम्प्रूवमेंट होगा उसमें आपको ये मदद करेगा, ठीक है। फिर आता है आपको बॉल जंप्स, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है आपका बॉल जंप्स। तो बॉल जंप्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप ये बंदा जो फुटबॉल से कर रहा है, ठीक है, आप इसके एवज में आप दो ईंट रख सकते हो, दो ईंट रख के इस पार से उस पार, देख पा रहे हो आपको, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें एक फायदा हो रहा है आपको, इसमें जब आप पैर को नीचे जमीन पे ले जा रहे हो, जमीन पे ले जा रहे हो, फिर उसको अप कर रहे हो ना, तो इससे क्या हो रहा है, स्पीड और वर्टिकल जंप के बीच ये आपको बैलेंस रखता है, ठीक है, बैलेंस आपको रखते हुए करना है, ठीक है। तो जैसे आप ग्राउंड पर वापस जाते हो, फिर वापस जंप करने के बाद, फिर जो आप जंप करते हो, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला, ठीक है। तो इससे काफी फायदा होता है, इसे आप जरूर करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वॉल ड्राइव, ठीक है, यानी जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है वॉल ड्राइव। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैरों को पुशअप स्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर दोनों पैरों को दीवार के बीच में पुशअप करना है, ठीक है, पुश करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दोनों पैरों से दीवार को पुश कर रहा है, ठीक है। और तो और, मतलब कि इसको में क्या आपको बैलेंस क्या करना है, कि आपको एक लेग ऊपर और वो भी 90 डिग्री के एंगल पे, यही आपको तो बैलेंस करना है इसमें, ठीक है, कि 90 डिग्री के एंगल पे और एक पैर ऊपर, फिर एक तो नीचे रहेगा, एक ऊपर, फिर उसको चेंज करो उस साइड से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ठीक है,
तो जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे आपको रिदम में आता जाएगा और जिससे आपकी स्पीड और फिनिशिंग के लिए बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, शुरू में आपका पैर पकड़ेगा बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको एक बहुत ही इम्पैक्टफुल या आपको बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज है बॉक्स जंप्स। ठीक है, बॉक्स जंप्स इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि तो जैसा कि आप बॉक्स जंप्स में देख पा रहे हैं कि ये जो येलो टी शर्ट वाला जो बंदा है ना वो एक पत्थर सा टाइप में है। ठीक है, उस पत्थर के आप ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी मतलब थोड़ा ऊंचाई पर रहना चाहिए। ठीक है, उसको क्या करना है कि एक पैर आपको नीचे और एक पैर ऊपर, ठीक है, वो आपको जंप करना है। ठीक है, वो भी देखिए बैलेंस करके, देखिए शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन आपको जब कॉन्सेंट्रेट करके एक्सरसाइज करिएगा ना तो ये बहुत ही अच्छे से होगा। तो शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगा लेकिन आप जब कॉन्सेंट्रेट करके करते रहिएगा तो आपको ये आदत में आ जाएगी, ये अब हैबिट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक पैर आपको ऊपर एक पैर नीचे, ठीक है, और हैंड के मूवमेंट को देख लीजिए, हैंड कैसे कर रहा है। ठीक है, हैंड को थोड़ा सा आप वहाँ पे सर पे रख सकते हैं या मुंह के पास रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको रनिंग में काफ़ी मदद मिलेगा क्योंकि इससे आपका जो थाई होता है ना, जो जांग होता है, उसका जो रनिंग करने के बाद जो दर्द हो जाता है उसमें काफ़ी आरामदायक महसूस होगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारा जो कितना कौन सा पॉइंट है, ये हमारा शायद पांचवा पॉइंट था ना, नहीं चौथा पॉइंट था। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा ये रहा। अब आते हैं पांचवा पॉइंट जो कि है स्क्वैट जंप्स। ठीक है, तो स्क्वैट जंप्स में आपको क्या करना है कि आप अपने जैसे कि एयरफोर्स नेवी में आपको जो स्क्वैट्स कराते हैं ना वो जो आपको बैठ के फिर, ठीक है, तो इसमें जंप कर जाना वहीं। ठीक है, तो ये आपको पैर की मजबूती के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, पैर की मजबूती के लिए ये बहुत ही एकदम रामबान तरीका है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि वो कैसे जंप कर पा रहा है। ठीक है, आप अपना साइड चेंज कर करके आप ऐसे करिएगा, ये बहुत ही मतलब ये जो आदमी है ना ये बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपने पैर की मजबूती को। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स नंबर कि रेसिस्टेंट ट्रेनिंग। ठीक है, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, आप इसमें आप जैसे कि टायर बांध के दौड़ते हैं ना, ये कंसेप्ट यहीं से आया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहीं से आया है कि टायर बांध के दौड़ते हैं उसी को ही कहते हैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप इसे टायर बांध के करिए या इसमें आप पैर में कुछ बांध लीजिए, जैसा कि आप ये कर पा रहा बंदा, लेकिन आपके पास तो मान लीजिए कोई रस्सी नहीं है तो आप कोई भी आप रबड़ का रस्सी वगैरह जो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाइक वाला में जो बांधा जाता है ना, बाइक में एक बांधा जाता है कि दोनों तरफ से क्लिप बीच में बैग बांधने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप कहीं फंसा के, या आप इसमें टायर बांध के दौड़िए, वो आपका बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंट ट्रेनिंग में आपको एक और बात ध्यान रखना है कि अपने जो हैंड को आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जैसे वीडियो में कर रहा है वैसे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप टायर बांध के दौड़िए, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है इलास्टिक बैंड। इलास्टिक बैंड मतलब कि अगर आपके पास कोई थोड़ा सा मतलब रबड़ वाला जो बैंड होता है ना, मतलब कि आप देख सकते हैं उसकी चौड़ाई, या एक काम और कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना जो घरेलू तरीका है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, कि आप जो अंडरवियर होता है ना, अंडरवियर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट को काट लीजिए। ठीक है, उसको पैर में लगा लीजिए और देख लीजिए कि बंदा कैसे कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है, वैसे ही मतलब कि पैर को थोड़ा सा बीच में फंसा के, पैर के थोड़ा सा ऊपर, जूते के ऊपर थोड़ा, ठीक है, और हाथ के मूवमेंट को देख लीजिए, थोड़ा सा पैर उठा रहा है वो। ठीक है, दोनों पैर से करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेग स्ट्रेंथिंग। ठीक है, लेग स्ट्रेंथ पैर की मजबूती के लिए एक्सरसाइज बहुत ही है, बहुत ही बेनिफिशियल, ये एक्सरसाइज तो करना भूलना ही मत। ठीक है, जो पीछे के पैर जो है, मतलब कि पीछे कुछ टेबल वगैरह रख के जैसे कि कर रहा बंदा, आप कोई पत्थर वगैरह जो है वो उस पर भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना जो सुविधा हो वो हो, ये मैटर नहीं करता, आप ऐसे मतलब कि पत्थर का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो पत्थर का यूज करने से देख लीजिए आपको कैसे ये बेंड कर रहा है पैर को, मतलब कि लेफ्ट दैट फ्रंट नी कैसे कर रहा है, फिर पीछे वाला नी कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कि पैर की मजबूती के लिए एक्सरसाइज है। तो पहला एक्सरसाइज पैर की मजबूती के लिए ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिंगल लेग स्क्वैट होता है, सिंगल लेग स्क्वैट, ये भी पैर की मजबूती के लिए, एक पैर से उठक बैठक करना। पीछे हम दो पैर से जंप वाला, उठक बैठक जंप वाला कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक पैर से, देखिए एक पैर से कर रहा है, उस पैर से फिर कर रहा है, फिर इस पैर से कर रहा है, फिर उस पैर से कर रहा है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपको करना है। हाथ का मूवमेंट देख लीजिए, सामने है। ठीक है, तो बिल्कुल। अब आता है स्प्रिंट्स, चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सेवन नंबर पॉइंट कि स्प्रिंट्स चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जो आगे जा रहा हो फिर पीछे की तरफ दौड़ के आ जाओ, तो इससे आपको क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो ना ऐसे, तो आपको फिनिशिंग में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, फिनिशिंग में, तो इसके लिए आप एक काम करना, 50 मीटर का बस एक मार्क कर देना कि यहाँ से वहाँ तक है,
बस यहाँ पे वो एक चीज रख दो, वहां पे एक चीज रख दो, ठीक है, वहां यहाँ से छू के वहां पे जाओ, वहां से छू के जल्दी आओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, तो इससे क्या होगा ना, आपको रनिंग का जो स्पीडनेस होगा ना वो, यानी आपका जो फिनिशिंग टाइम होगा वो बहुत ही, मतलब कि इतना मस्त आएगा ना कि कहो मत, मतलब कि फिनिशिंग इतना आपका जबरदस्त हो जाएगा इस एक्सरसाइज से। तो ये एक्सरसाइज लास्ट में जो हम यही बोल रहे थे कि लास्ट जो टिप है वो उसे मिस मत करना, तो यही है कि आप 50 मीटर पे मार्क कर दीजिए, वहाँ पे कुछ चीज़ रख दीजिए, वहाँ से आप जाइए, फिर टच करके आइए, फिर जाइए आइए जाइए, इससे क्या होगा कि कम समय में आप जितना बार अप एंड डाउन करेंगे ना, तो इससे आपको फिनिशिंग देने समय आपको फिनिशिंग बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये सबके आपको आप चाहें तो 3 या 5 जितने भी सेट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि स्क्वाट जंप्स है वो आप 10 बार कर लीजिए, मतलब कि अपने सुविधानुसार जितना आप कर सकते हो उतना आप करिए। और जैसा कि आप, हमने बोला था कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें थोड़ा हम अच्छा जो कोई यहाँ के बंदे कुछ जानते भी नहीं है कि एक्सरसाइज भी होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही, मतलब कि इतना हाई रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स मिले, ये हमको इतना क्लिप मैंने जुगाड़ किया, तो इतना मेहनत मैंने किया, थोड़ा सा तो लाइक बनता है बॉस, ठीक है। तो अगर आप भी डिफेंस से रिलेटेड तैयारी करते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जिससे भी तैयारी करते हैं, तो फिजिकल, रिटेन और मेडिकल से संबंधित आपको कोई भी जानकारी हो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि अपना रनिंग तेज करना चाहते हैं या अपने आर्मी रैली में भर्ती होना चाहते हैं और वो आर्मी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये जो 7 टिप्स हैं वो आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये हमारे तरफ से तो बहुत ही मेहनत करने के बाद ये हम वीडियो तैयार किए हैं, तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।